वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय सहस्रार्जुन भगवान, जय श्री सहस्रार्जुन भगवान। बोलिए भगवान सहस्र बाहु अर्जुन की जय। डायरेक्टर मुकेश आर के चौकसी की फिल्म और धारावाहिक भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्रबाहु अर्जुन जी की रिकॉर्डिंग सिंगर सुरेश वाडकर की आवाज में। डायरेक्टर मुकेश आर के चौकसी की फिल्म और धारावाहिक भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्रबाहु अर्जुन जी की रिकॉर्डिंग वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर की आवाज में आज दशहरे के शुभ मुहूर्त में सुरेश वाडकर के स्टूडियो में हुआ। अटल गुप्ता, एस सी जायसवाल, एट नीलेश पावस्कर, डॉक्टर संतोष जायसवाल, राहुल पारिता, दीपक जुगल, किशोर जी चौकसे, त्रिलोकनाथ जायसवाल आदि थे। संगीत नसराज घिमिरे, गीत सूरज नागर, मुकेश चौकसे और कलाकार सुमन तलवार, प्रीति चौकसे है। फिल्म और धारावाहिक विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट कार्तिवीर भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्रबाहु अर्जुन जी की जय। फिल्म 2 घंटे 15 मिनट और धारावाहिक 200 एपिसोड पर एपिसोड 1 घंटे। भगवान श्री सहस्रबाहु अर्जुन जी और श्री बलभद्र जी के लिए आरती, चालीसा, स्त्रोत, मंत्र, श्लोक का रिकॉर्डिंग वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड सिंगर सुरेश वाडकर जी की आवाज में आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार सुबह से 11 बजे अश्विन शुक्ल दशमी दशहरे पर शुभ मुहूर्त में किया गया है। एक्टर डायरेक्टर मुकेश आर के चौकसे, सिंगर सुरेश वाडकर, संगीत नसराज घिमिरे, गीतकार ब्रह्मलीन श्री खचूराम चौकसे, सूरज नागर, मुकेश आर के चौकसे, सहा निर्देशक नितिन चौकसे, आर्टिस्ट सुमन तलवार, साउथ शिवाजी द बॉस रंजनीकांत, गब्बर द बेक अक्षय कुमार, प्रीति चौकसे, गोविंदा, रंजीत, शक्ति कपूर आदि। फिल्म की शूटिंग 11 नवंबर के बाद महेश्वर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल में। अक्टूबर 2021 विजयदशमी यानी कि दशहरे के पावन पर्व, जो कि बुराई के प्रति अच्छाई की जीत का प्रतीक है, आज राजराजेश्वर भगवान सहस्रबाहु अर्जुन के चरित्र पर आधारित धारावाहिक और फीचर फिल्म के भजनों और गीतों का रिकॉर्डिंग जुहू में स्थित सुरेश वाडेकर जी के स्टूडियो में हो रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए अभिमान की बात है, स्वाभिमान की बात है कि आज हमारे कुलदेवता राजराजेश्वर भगवान सहस्रबाहु अर्जुन के जीवन चरित्र पर एक बहुत ही सुंदर धारावाहिक और फीचर फिल्म मुकेश आर चौकसे के द्वारा निर्मित की जा रही है, जिसके गीतों और भजनों की रिकॉर्डिंग जुहू में स्थित विश्वविख्यात गायक श्री सुरेश वाडेकर जी के स्टूडियो में अभी संपन्न हो रहा है। गाने के जो बोल हैं, गाने के जो लाइन हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने 16 करोड़ स्वजातीय देवतुल्य भाइयों और बहनों को कि जब वो सुनेंगे, जब वो आखिरी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो एक बहुत सुखद अनुभूति आपको अपने देवता के बारे में जानकर महसूस होगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये पिक्चर, फीचर फिल्म और ये धारावाहिक पूरे भारतवर्ष में एक अपना अलग स्थान बनाएगा, एक अलग मुकाम बनाएगा और हम स्वजातीय भाइयों और बहनों को गर्व की अनुभूति कराने का विषय बनेगा। मैं भगवान कार्तवीर राजराजेश्वर सहस्त्र अर्जुन से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुकेश आर के चौकसे जो कि ये फिल्म बना रहे हैं, धारावाहिक बना रहे हैं, उनका ये प्रयास सफल हो और ये जो फीचर फिल्म है और धारावाहिक है एक अलग मुकाम बनाए, एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए। निश्चित रूप से सुरेश वाडेकर जी जैसे प्रख्यात गायकों के गायक के माध्यम से ये आज इस स्टूडियो में, अभी अंदर हम लोग थे, चूँकि वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो वहाँ का भी लाइव प्रसारण आपको हम दिखाते, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा था और जो गीत के बोल हैं वो
कर्ण प्रिय और दिल को बिल्कुल आनंदित कर देने वाले हैं। मेरी एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दशहरा के पावन पर्व पर कि ये पिक्चर, ये धारावाहिक सफल हो और ये बहुत अच्छा मुकाम स्थापित करे पूरे भारतवर्ष में। बोलिए भगवान शास्त्र बाहु अर्जुन की, बोलिए भगवान शास्त्र बाहु अर्जुन की, बोलिए भगवान शास्त्र बाहु अर्जुन की जय। आज यहाँ पर जू स्थित सुरेश जी, सुरेश भाटकर जी के स्टूडियो में हमारे, हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज विश्व विजेता सम्राट चक्रवर्ती भगवान श्री राजराजेश्वर शस्त्रार्जुन के ऊपर लिखे गए भजन और आरती के आज रिकॉर्डिंग है। यहाँ समाज के हमारे वरिष्ठ अटल जी हैं और जयसपाल साहब है, डॉक्टर जयसपाल साहब है, एडवोकेट साहब है, जयसपाल साहब है आयुर्वेदिक वाले, और कुलदीप जी हैं और त्रिलोकनाथ जी हैं और जयसपाल साहब हैं और अपने भूषण जी हैं और नितिन चौकसे जी हैं, जो हम लोग यहाँ पर आज गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गाना रिकॉर्डिंग चल रहा है। और ये बहुत ही अलग किस्म का गाना और आरती होगी जो विश्व के अंदर कभी ऐसा नहीं फिल्म आया और नहीं देखा होगा और ना ही ऐसी आरती सुनी होगी, क्योंकि आरती जितनी भी है सबका म्यूजिक रिपीट होता है, चाहे वो चालीसा हो, चाहे माता जी की आरती हो, चाहे हनुमान जी की आरती हो, चाहे राम जी की आरती, ये सबके म्यूजिक रिपीट होते हैं। लेकिन भगवान शस्त्र बाहु जी पे जो आरती और ये आज भजन हो रहा है, ये अलग म्यूजिक, फ्रेश म्यूजिक बना है और ये सीरियल है, 200 एपिसोड का सीरियल है, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है, जो हमारे समाज, हमारे कल्चुरी हे वंशी समाज, हमारे समाज में चौकसे, जयसवाल, राय, गुप्ता, मालवी, खत्री, तमाम कलाल, कल्चुरी, कलाल, कलवार समाज है, बहुत बड़ा विघट है। करीब 35 पूरे अगर मिलाएं शस्त्रार्जुन जी के वंशजों के, तो 35 करोड़ के ऊपर है सब मिलाकर। तो आज उनके बीच के पहली बार विश्व में ये फिल्म और सीरियल उनके ऊपर बनने जा रहा है। वैसे 1999 मैंने सीरियल दूरदर्शन के लिए बनाया था भगवान शस्त्र बाहु जी के ऊपर ही, जो 13 एपिसोड था, तो काफ़ी जमा एक नई स्टाइल में नई ले गई, जो हमारे जो बाहुबली के अंदर महिष्मती बताया, जो महेश्वर बताया है वो वहीं का है, तो शस्त्र बाहु जी का जन्म वहीं हुआ था और सारा पूरा उनकी लाइफ, उनने क्या किया, ये हम उस फिल्म के माध्यम से, उस सीरियल के माध्यम से दिखाएंगे। और समाज के पूरे लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और सब है, तो मैं अटल जी से पुनः कहूँगा कि इस सीरियल को बनाने में सभी समाज के वासियों से मेरा यही निवेदन है, इसमें सहयोग करें और आगे बढ़ाए और विश्व के अंदर पताका फिराए और दुनिया को दिखे कि भगवान शस्त्र बाहु अर्जुन कौन थे, हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं, छोटे नहीं हैं ये सतयुग के राम जी भी बाद में, बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, राम जी भी बाद में, हनुमान जी बाद में, ये उनके भी पहले, रावण को 6 महीने महेश्वर के अंदर, महेश्मती के अंदर, जो आज महेश्वर इंदौर के पास में, वहाँ रावण को 6 माह तक बंदी बना के रखा था शस्त्र बाहु अर्जुन जी ने। तो ये रामायण में, गीता में सबके अंदर है कि जब हनुमान जी के श्रीलंका, लंका में जाते हैं, तो वहाँ पर रावण से पूछा जाता है कि तू किसका मतलब युद्ध जीता है, आज तक कभी रावण ने युद्ध किसी से नहीं जीता, तो ये उसमें जिक्र है, सारा सतयुग में जिक्र, तो हम उसके ऊपर कर रहे हैं सारी चीज़ें। और हम सबसे समाज से गौरवित थे और हम चाहेंगे समाज, कल्चुरी समाज है, वंशी कला, कलाल, कलवार, करार समाज जो हमारा है वो आगे आए और सब मिलकर इसमें करें। मेरे अकेले का बस कर नहीं है ये इसमें, जिस तरह भगवान के 1000 हाथ हैं, शस्त्र बाहु इसलिए कहा कि दत्तात्रेय भगवान के शिष्य थे, उनने सबसे, उसने वरदान लिया था, ये वरदान में उनको 1000 हाथ की शक्ति मिली, 1000 हाथ नहीं थे, 1000 हाथ की उनमें शक्ति थी और रावण से भी युद्ध किया, तो उन्होंने अपनी कल्पनाएं पूरी सारी चीज़ दिखाए। और कृत्रिम वर्षा के आविष्कारक है, आज जो हम लॉकडाउन जो मोदी जी ने लगाया है, तो ये लॉकडाउन जिस तरीका मोदी जी ने लगाया, और मोदी जी बोलते हैं कई मीटिंग में, मोदी जी ने बोला कि मैं उस भगवान के देश का हूँ जहाँ पर उनके 1000 आते, मेरे 130 करोड़ आते, ये मोदी जी बोलते हैं, हम सभा में बोलेंगे। तो ये हम उस तरह की जो लॉकडाउन लगा, ये बीमारी आई तो उनके ज़माने में आ चुकी है, उन्होंने ये बीमारी का भी उपयोग जो फिल्मों में, सीरियल में दिखाऊंगा। तो सभी लोगों से ये सभी मेरी प्रार्थना है कि आप सब आगे आइए, आगे बढ़िए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भावस्कर, जैसे आपने कलाल कल्चुरी समाज के बारे में बताया, उसका ही महाराष्ट्र में जब आता है तो उसको भंडारी कम्युनिटी बोलते हैं, भंडारी, और ये सब कम्युनिटी का, कम्युनिटी की तरफ से हमने 2007 में ऐसा एक बड़ा सम्मेलन लिया था शिवाजी पार्क में मुंबई में, जबकि 70,000 के करीब लोग हमारे सारे कम्युनिटी के भारत भर से वहाँ पर आए हुए थे। आज मुकेश जी ने और जैन जी ने मुझे बताया कि ये प्रोग्राम है तो यहाँ पर आ जाइए, तो आने के बाद बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो विख्यात गायक है सुरेश वाडकर जी, उनका ये आजीवन स्टूडियो है जहाँ पे उनकी खुद की स्टूडियो है, और वो उनकी खुद की आवाज़ में आज शस्त्र बाहु अर्जुन जी के
भजन और गाने की रिकॉर्डिंग होने जा रही है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। और आज दशहरे का बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है और मुझे लगता है कि इस शुभ मुहूर्त पे जो भी चलता है वो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम आप सब ये मिलके प्रार्थना करें सहस्त्र बाबा अर्जुन जी से कि जिस कदर उनका पराक्रम पूरे भारतवर्ष में हुआ था उसी कदर ये सीरियल और ये फीचर फिल्म पूरे भारतवर्ष ही नहीं तो पूरी दुनिया भर में फैले और लोगों को पता चले कि हमारे पूर्वज कौन थे। बहुत सहस्त्र बाबू जी के वंशज कौन कौन है, क्योंकि इनके बारे में शायद आप लोग भी आज पहली बार देख रहे होंगे। तो हमारी जो समाज फैली हुई है, हमारे जो पहले नाना पाटेकर, ये हमारी समाज के कलचुरी कलाल कलवार के अर्चना पूरन सिंह, गोविंदा आहूजा जो गोविंदा भी इनके बने थे, गोविंदा राजेश खन्ना जो शांत हो गए, और प्राण साहब सिकंदर जो हमारी समाज के थे, हमारे हम मतलब हमारी मेजोरिटी के, और सुमन तलवार जिसने अभी रजनीकांत के साथ वो करिए शिवाजी द बॉस, ये हमारी कल्चर के, जो डॉक्टर राजकुमार थे जो तमिल के साथ कर्नाटक जो शांत होगा जिसको वीरप्पन ने किडनैप किया था, राजकुमार उनके लड़के शिवा राजकुमार पूरन राजकुमार, ये हम सब हमारी कम्युनिटी के हमारे समाज के ये लोग। तो ये समाज बहुत बड़ा है, बहुत विख्यात है, मतलब 33 करोड़ के भी ऊपर पूरा समाज जाता अगर मिला जाए। सस्त बाबू के वंशज इतने फैले हुए, शाखाएँ विभिन्न विभिन्न शाखाएँ फैली, 1000 जैसे हाथ थी तो 1000 शाखाएं इनकी फैली। ओके, एक बात मैं और आपको बताऊं कि जिनका नाम पूरे विश्व में चलता है उद्योग में, शिव नाडर, शिव नाडर जिनके विश्व के तीसरे नंबर पे, वो विश्व में तीसरे नंबर पे है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो शिव नाडर अपनी कम्युनिटी। और मुख्यमंत्री जो कामंत थे कामंत नाडर जी, विश्व के माने हुए ईमानदार मुख्यमंत्री, वो भी हमारे, और अभी केरला के जो मुख्यमंत्री है वो भी हमारी समाज के, और बिहार के डिप्टी सीएम है, पांडिचेरी के सीएम भी हमारी समाज के, डिप्टी सीएम पटना बिहार वो भी हमारे कांता जी, वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार खारगा नई मुंबई से मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे सहस्त्र अर्जुन के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और उनकी जानकारी हमें दे रहे हैं। इस न्यू जनरेशन को, इवन हमारी जनरेशन को भी अभी तक सहस्त्र अर्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इवन इतिहास में भी हमें पढ़ाया नहीं गया कि सहस्त्र अर्जुन नहीं, कहीं नहीं नाम, कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि यहाँ तक कि मनोज कुमार की पत्नी वो भी हमारे कल्चुरी समाज की ही है। मनोज कुमार जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा सर हम आपके समाज से ही हैं। हमने कहा सर बड़ी अच्छी बात है सर, तो हम चाहेंगे कि मुकेश जी हमारे मनोज कुमार जी से भी और ऊपर चले, और इसमें जो हमारा सहयोग हो, हमारे समाज का सहयोग हो, छोटा छोटा एक एक फूल, एक एक फूल भी करेंगे एक माला बन जाएगी, और माला अटल जी मुझे पीना है। चलिए वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू। खूबसूरत एक गाना हमने आज रिकॉर्ड किया है, इसके राइटर डायरेक्टर हमारे मुकेश जी चौकसे जी हैं और नसराज जी इसके संगीतकार हैं। बहुत ही सुंदर गाना बनाया है, विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट कार्तीय वीर्य भगवान श्री राज राजेश्वर सहस्त्र बाहु अर्जुन, ये आपने इनके बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने रावण जी को भी अपनी कैद में रखा था 6 महीने के लिए। बहुत बड़े ये महापुरुष हुए हैं जिनके ऊपर ये सीरियल बन रहा है। मुझे उम्मीद है ये सीरियल आपको बहुत पसंद आएगा, और चौकसे साहब बहुत मेहनत करने वाले हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी काम किया हुआ इसके पहले भी, और मैं इनको बहुत बहुत दुआएं देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, और इनके लिए मेरी गुड विशेस मैं जाहिर करता हूं। और ये जल्दी से जल्दी ये सीरियल कंप्लीट होके हम सबके सामने आ जाए और हम इसका आनंद लें। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं चौकसे साहब आपको और इसके प्रोड्यूसर जो भी होंगे, और संगीतकार बहुत सुंदर तर्ज बनाई है हमारे भाई ने, और नसराज इनका नाम है, बड़े होनहार हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप जल्दी से देखिए ये हमारा खूबसूरत सीरियल, धन्यवाद, नमस्कार। भगवान सहस्त्र बाबू अर्जुन पर आरती और भजन ये है, ये लिखे ही गए हैं सुरेश जी के लिए। सुरेश भाटकर जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की, डाकू मल्खान सिंह, सबसे जुदा हो तुम, और जय ओंकार जी,
जो भी मैं फिल्म करता हूँ तो म्यूज़िक डायरेक्टर हंसराज हैं, तो हम लोग बिल्कुल मन में दिमाग रख के बनाते हैं कि ये गाना सुरेश भाटकर जी ही गाएंगे, उसके सिवा कोई गा नहीं सकता। क्योंकि ये जो आरती आज गाई है, ये मतलब जब पूरी कंप्लीट होके जब ये रिलीज होगी और स्क्रीन पर देखी जाएगी और इसको जब सुनेंगे तो ये दिल को छुएगी। दुनिया में जितनी भी आरती हुई है सब हुई है, लेकिन ये जो आज सुरेश जी ने गाई है, और शायद सुरेश जी जब बहुत मतलब शस्त्र बाबू जी हज़ार भुजाएँ, तो सुरेश जी के हज़ार मतलब भुजाओं की ताकत से पूरी विश्व के अंदर ये आरती चलेगी और लोग इसको देखेंगे। और काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत से, और सुरेश जी ऐसा नहीं लगता है कि कोई इनके साथ कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नया या डायरेक्टर नया, लेकिन ये उसी तरह से बिल्कुल करते हैं और पूछ पूछ के कि इसमें ऐसा करना है, इसको गायकी से गाए, इसमें ये गाए। और मतलब जब तक सुरेश भाटकर जी ये बैठे, जब तक ये संतुष्ट नहीं होते ओके नहीं बोलते। भले ही म्यूज़िक डायरेक्टर बोले ओके सर, ये बोलते नहीं फिर से एक बार वो करें, ये सबसे अच्छा इनका ये है। इसलिए हम हमेशा मेरी हर फिल्म के अंदर दो गाने सुरेश भाटकर जी के रहते हैं, क्योंकि मैं इनकी बचपन से काफ़ी धार्मिक चीज़ें सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में रहता है कि ये गाना सुरेश जी से ही कराना। और अभी अचानक सेटल जमा है परसों हमारा, और सुरेश जी ने अनुमति दे दी तो ये आज हो गया 15 अगस्त अपने आज दशहरे के दिन में। और ये हमारे समाज के लिए, गौरव के लिए बड़ी बात है कि आज सुरेश जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे भगवान शस्त्र बाबू जी के लिए अपनी मूर्ख मुख वाणी से ये इस गाने को गाया, और बहुत अच्छे मतलब सरस्वती जी इनके लब पे बैठ गई बात, ये सबसे थैंक यू धन्यवाद। सुरेश जी के साथ काम करने का मौका मिलता है मुझे, इसके लिए मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके का कंपोजिशन चाहता हूँ उसी तरीके का, क्योंकि सुरेश जी के लिए जब वो गाते हैं, उनका कोई भी भजन सुनता हूँ या कोई भी आरती सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में ही बैठ जाता है कि सुरेश जी गाने वाले हैं, तो सुरेश जी के हिसाब से ऐसा जमेगा वैसा जमेगा, तो मैं उस तरीके से अपनी तैयारी करता हूँ। मैं कई बार कंपोजिशन चेंज करने के बाद फाइनल जब आता हूँ, तब जाके लगता है कि हाँ अब सुरेश जी के आवाज़ में ये बैठेगा, तो इस तरीके से बनाता हूँ। बहुत मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है, तो बस अच्छे से चले, ये सबके नज़र में आए और सब लोग देखे खुश होए, बस ये चलते। क्योंकि कोई भी चीज़ हिट होगी वो सिंगर से हिट होगी, ये तो बहुत अच्छी जाती है वो, लेकिन जब तक एक सिंगर उसको लयबंद तरीके से दिल से सुर से गले से नहीं गाएगा, दिल और दिमाग से उसको डूब के नहीं गाएगा, तो वो चीज़ हिट नहीं होती। तो वो हिट जो हो जाएगी ये आरती शस्त्र बाबू जी की, तो सुरेश जी के कारण, और बड़ा नाम है और पहचान है आज दुनिया में सुरेश जी का मतलब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।